सुप्रीम कोर्ट में आज आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ चंदा बाबू और बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। चंदा बाबू और बिहार सरकार ने आरजेडी के बाहुबली विधायक शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा था कि शहाबुद्दीन की जमानत क्यों नहीं रद्द कर दी जाए। सिवान में मारे गए तीन भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ने पटना हाई कोर्ट से शहाबुद्दीन को मिली जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। 2004 में चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश और सतीश की हत्या हुई थी और इस मामले में शहाबुद्दीन को दिसंबर 2015 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मामले में इकलौते गवाह और चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव रोशन की भी 16 जून 2014 को हत्या कर दी गई थी। उम्मीद क्या करेंगे, बहुत बड़े वकील उनके तरफ से भी है कि जेठमालानी जी लगे हुए हैं, कहीं पेच लगा करके कुछ कर दें तो ये एक संभावना है। दूसरी चीज है कि हमको भगवान पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी न्याय देगा उसको तो मानना ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। अभी जो है हमारे लिए यह सजा बहुत कम है। सजा फांसी होनी चाहिए। उम्र कैद की सजा जो है जैसी मिली हुई है तो उम्र कैद मतलब उम्र कैद, तो उम्र कैद की सजा हो, बिहार के किसी जेल में न रखा जाए। ये 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष वाली जो नियम है यह नियम भी हमको ठीक नहीं करे। अगर उम्र कैद की सजा हुई तो उम्र कैद हो। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, कब तक सुनवाई शुरू होगी? और फिलहाल तो अभी पीड़ित पक्ष को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम उम्मीद लग रही है। देखिए दीपाली, जो सुनवाई है वो जैसे ही कोर्ट बैठेगी प्रथम पाली में ही ये सुनवाई होनी है और दोनों जो याचिकाएं लगाई गई है दोनों पे सुनवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल फिलहाल निराशाजनक है, क्योंकि उनका कहना है कि जो न्याय उन्हें मिली है पटना हाई कोर्ट से और जिस तरह से फिर जमानत दे दी गई शहाबुद्दीन को, तो कहीं ना कहीं उन्हें अधूरा न्याय मिला है और पूरा न्याय वो इस कदर चाहते हैं। जो चंदा बाबू है उनका मांग है कि शहाबुद्दीन को जो उच्चतम न्यायालय है वो उनका बेल कैंसिलेशन के साथ साथ फांसी की जो सजा है वो मुकर्रर करे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय उनका क्या डिसीजन होता है। काफी अहम दिन माना जा रहा है चंदा बाबू के लिए भी, मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए भी और बिहार सरकार के लिए भी, क्योंकि जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को जमानत याचिका मिली मंजूर कर ली गई पटना हाई कोर्ट से, उसके बाद से बिहार की जो राजनीति है वो काफी गर्म हुई। विरोधी खेमे के लोगों ने आरोप भी लगाया कि रात की जो स्थिरता थी, जो लापरवाही थी, उसका फायदा हुआ है मोहम्मद शहाबुद्दीन को। मोहम्मद शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से जमानत मिली, चूंकि राज्य सरकार ने सही तरीके से बड़े अधिक वकीलों के जरिए पैरवी नहीं कराया, जिसका फायदा मोहम्मद शहाबुद्दीन को मिला, जिसके बाद से राज्य सरकार ने अपनी गलती एक तरह से कहा जाए विरोधी खेमे के शब्दों में कहा जाए उसे सुधारने की कवायद दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल देखना काफी अहम होगा यहाँ पे दिवाली की जो सुप्रीम कोर्ट है उनका क्या डिसीजन होता है। शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।